चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको मौसम के बारे में। अगले आने वाले 10 दिनों में आपके इलाके में मौसम का हाल कहां पर कैसा रहने वाला है, देख सकते हैं। ये थोड़ा सा IMD का मैप है। ये मैप आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं, आप लोगों का क्या पसंद है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा IMD का मैप है। इसमें काफ़ी अच्छा कुछ दर्शाया गया, सभी कुछ देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने को। तो आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताएँ, हमको बताने का प्रयास करें, जैसे कि हम आगे इसके बारे में अपडेट आपको दे सकें। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें काफ़ी हमारे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन मैप ये हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये मैप ठीक रहेगा या जो पहली मैप इस वीडियो आती थी वो मैप ठीक रहेगा इसके बारे में बताएं। तो वैसे देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो बारिश की संभावना नज़र आ रही है उत्तर भारत में, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। जब पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो वैसे भी बारिश यहाँ पर बढ़ जाती है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना नज़र आ रही है, और एक कम दबाव का क्षेत्र देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी इंटेंसिव हाई हो सकता है, काफ़ी इंटेंसिफिकेशन इसकी हो सकती है। हो सकता है कि WML यानी कि बेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बन जाए, जिसकी वजह से काफ़ी इलाकों में काफ़ी व्यापक बारिश देखने को मिले। हालांकि इसका ट्रैक अभी के मुताबिक ये यहाँ से रिकवर कर जाएगा, अभी बंगाल खाड़ी से ही वापस मुड़ जाएगा, यानी कि पूरब की तरफ चला जाएगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग WD 23 तारीख के आसपास यानी कि 22 या 23 तारीख के आसपास आने की संभावना है, क्योंकि जानते ही हैं हर अनुमान में बदलाव होने की संभावना बन जाती है। तो उसी तरह का देख सकते हैं राजस्थान में भी बारिश नज़र आ रही है, पंजाब में भी बारिश नज़र आ रही है, बाकी कई इलाकों में भी बारिश नज़र आ रही है, और ये होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है।